यदि आपने कभी हमारे ग्रहों की पिक्चर्स या फिल्म देखी हैं, या उनका निरीक्षण करने के लिए उन्हें एक साथ ध्यान से देखा है, तो आपको एक दिलचस्प बात नजर आएगी कि सभी ग्रह गोल हैं। स्वाभाविक रूप से आप पूछ सकते हैं, ग्रह गोल क्यों हैं? हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं, जो कई मायनों में एक दूसरे से अलग हैं। वे अलग अलग आकार के हैं, वे सूर्य से भी अलग दूरी पर स्थित हैं। कुछ छोटे और चट्टानी हैं और कुछ बड़े और गैसी हैं, लेकिन वे सभी अच्छे और गोल हैं। ऐसा क्यों है? उनका आकार घन, पिरामिड या डिस्क जैसा क्यों नहीं हो सकता था? ग्रहों का निर्माण तब होता है जब अंतरिक्ष में चट्टाने, गैस और धूल एक दूसरे से टकराने लगते हैं, तो कुछ टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं। जैसे ही चट्टान, धूल और गैस के ये सभी टुकड़े इकट्ठा होते हैं, वे अपना गुरुत्वाकर्षण बनाना शुरू कर देते हैं, जो इन सभी को एक साथ रखने में मदद करता है। ये बनने वाले ग्रह बहुत गर्म होते हैं और ये आमतौर पर पिघले हुए होते हैं। फिर गुरुत्वाकर्षण गर्म और पिघले हुए पदार्थों पर काम करना शुरू कर देता है। गुरुत्वाकर्षण सभी ओर से समान रूप से खींचता है। चूंकि गुरुत्वाकर्षण पदार्थ के बिल्कुल केंद्र में होता है, इसलिए पदार्थ समान रूप से द्रव्यमान के केंद्र की ओर खींचा जाता है। चूंकि मैटेरियल को केंद्र की ओर समान रूप से खींचा जाता है, इसलिए मैटेरियल गोलाकार आकार लेने लगता है। जैसे ही भारी और भारी मटेरियल्स केंद्र की ओर टकराने लगता है, पिघला हुआ मटेरियल और प्रेशर बाहर की ओर धकेलने लगते हैं। वजन को अंदर धकेलने और दबाव को बाहर धकेलने का संयोजन संतुलन बनाता है। संतुलन गोलाकार आकृति के माध्यम से बनाया और बनाए रखा जाता है। पदार्थ ठंडा होने के बाद अपने गोलाकार आकार में ही रहता है। यही कारण है कि हमारे ग्रह गोल हैं, हालांकि वे आकार में परिपूर्ण नहीं हैं। चूंकि ग्रह घूमते हैं, इसलिए उनके गोल आकार में बल्जेस हो सकते हैं। प्लैनेट जितनी तेजी से घूमता है, उभार उतने ही बड़े होते हैं। मतलब तेजी से घूमने वाले प्लैनेट अन्य ग्रहों की तुलना में थोड़े कम गोलाकार हो सकते हैं और वे थोड़े फ्लैटेंड हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त वस्तुएं ग्रहों पर प्रभाव डाल सकती हैं, जिससे उनकी सतहों पर गड्ढे और बल्जेस बन सकते हैं। तुलना के लिए आप एस्टेरॉयड को देख सकते हैं। छोटे क्षुद्र ग्रह आमतौर पर गोल नहीं होते हैं। वास्तव में वे जैग्ड, फ्रैगमेंटेड और अनियमित आकार के होते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि छोटे क्षुद्र ग्रहों का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव बहुत कमजोर होता है, जिसका अर्थ है कि वे अपने आसपास की सभी सामग्री को समान रूप से अपने केंद्र की ओर नहीं खींच सकते हैं। इसलिए ग्रहों के विपरीत ये छोटे क्षुद्र ग्रह गोलाकार और गोल नहीं होते हैं। जब कोई ग्रह काफी बड़ा हो जाता है, तो वह जिस तारे की परिक्रमा करता है, उसके चारों ओर अपना रास्ता साफ करना शुरू कर देता है। यह अंतरिक्ष सामग्री के टुकड़ों को पकड़ने के लिए अपने गुरुत्वाकर्षण का उपयोग करता है। हालांकि क्या वे सभी परिपूर्ण हैं? जबकि हमारे सौर मंडल में सभी ग्रह अच्छे और गोल हैं, कुछ अन्य प्लैनेट की तुलना में अधिक गोल हैं। बुध और शुक्र सबसे गोल हैं, वे कंचों की तरह लगभग पूर्ण गोले हैं। लेकिन कुछ ग्रह बिल्कुल पूर्णतः गोल नहीं हैं। शनि और बृहस्पति बीच में थोड़े मोटे हैं। जैसे जैसे वे घूमते हैं, वे भूमध्य रेखा के साथ बाहर की ओर उभरते हैं। ऐसा क्यों होता है? जब कोई चीज घूमती है, या जैसे कोई ग्रह घूमता है, तो उनके बाहरी किनारे पर मौजूद चीजों को अंदर की चीजों की तुलना में तेजी से चलना पड़ता है। यह घूमने वाली किसी भी चीज के लिए सत्य है, जैसे पहिया, डीवीडी या पंखा। किनारे की चीजों को सबसे दूर और तेज गति से यात्रा करनी होती है। एक ग्रह के भूमध्य रेखा के साथ उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों के बीच एक वृत्त गुरुत्वाकर्षण किनारों को पकड़ रहा है, लेकिन जैसे ही यह घूमता है, चीजें टायर से उड़ने वाली मिट्टी की तरह बाहर निकलना चाहती हैं। शनि और बृहस्पति वास्तव में बड़े हैं और बहुत तेजी से घूम रहे हैं, लेकिन गुरुत्वाकर्षण फिर भी उन्हें एक साथ बांधे रखता है, इसीलिए वे बीच में उभरे हुए होते हैं। अतिरिक्त चौड़ाई को हम भूमध्य रेखीय उभार कहते हैं। हमारे सौर मंडल के सभी ग्रहों में शनि ग्रह सबसे अधिक उभरा हुआ है। यदि आप ध्रुव से ध्रुव तक के व्यास की तुलना भूमध्य रेखा के व्यास से
करते हैं तो यह समान नहीं होगी। शनि मध्य में 10.7% मोटा है और बृहस्पति मध्य से 6.9% मोटा है। कंचों की तरह पूरी तरह गोल होने के बजाय वे बास्केटबॉल की तरह फ्लैटर्ड हैं, जो नीचे दब जाती है। अन्य ग्रहों के बारे में क्या? पृथ्वी और मंगल ग्रह छोटे हैं और गैस के दिग्गजों जितनी तेजी से नहीं घूमते। वे पूर्ण गोले नहीं हैं, लेकिन वे शनि और बृहस्पति से अधिक गोल हैं। पृथ्वी बीच में 0.3% मोटी है और मंगल बीच में 0.6% मोटा है। चूंकि वे बीच में 1% अंक भी अधिक मोटे नहीं हैं, इसलिए यह कहना सुरक्षित है कि वे बहुत गोल हैं। जहां तक यूरेंस और नेपच्यून की बात है, वे बीच में आते हैं। यूरेंस बीच में 2.3% मोटा है और नेपच्यून 1.7% मोटा है। वे पूरी तरह से गोल नहीं हैं, लेकिन वे गोल होने के काफी करीब भी हैं। घूमने से आने वाली ताकतों को महसूस करें। क्या आप जानना चाहते हैं कि घूमता हुआ ग्रह कैसा होता है? जब आप किसी स्थान पर घूमते हैं तो आप इसे महसूस कर सकते हैं। ग्रह गोल हैं क्योंकि गुरुत्वाकर्षण के कारण सारा सामान एक गुरुत्वाकर्षण केंद्र के चारों ओर समान रूप से इकट्ठा हो जाता है। लेकिन सभी ग्रह पूरी तरह से गोल नहीं होते हैं। उनके आकार और उनकी सतहों में खामियां हैं, लेकिन वे आम तौर पर अपना गोलाकार आकार रखते हैं।